क्या हुआ? गोपाल भाई नहीं आएंगे तो वार्तालाप ही बंद हो जाएगा क्या? और बाला चामुंडेश्वरी माता नहीं आएंगी तो पूछना बंद कर देंगे क्या? पशु माने जो चार पांव वाले जानवर होते हैं उनको पशु कहा जाता है, और जो पंखों से उड़ते हैं उन्हें पक्षी कहा जाता है। जो बहुत थोड़ा उड़ पाते हैं और थोड़ी उम्र होती है उन्हें पतंगे कहा जाता है। क्लास में कोई आते हैं तो उन्हें दूसरे कमरे में ले जाओ, पहले समझाओ जाके उन्हें। वो क्या समझेंगे, वो तो समझेंगे इनका कोई गुरु है। अब बेसिक कोर्स हो चाहे एडवांस कोर्स हो, सच्चाई को ही कोर्स कहा जाता है। सच्चाई बात सुनानी है। बेसिक कोर्स कोई अलग नहीं है, मुरली में जो कुछ बोला है वो ही एडवांस कोर्स है, और मुरली में जो कुछ बोला है वो ही बेसिक कोर्स है। मुरली से बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स हटकर के है क्या? है, एक ही बात तो है। बेसिक को अलग क्यों कर दिया? सच्ची बात सुनाना, सच्ची बात बताना, देवताओं के बारे में, शक्ति के बारे में, आत्मा के बारे में, पहले पहले बाप के बारे में परिचय देना। तो कोई नया आता है तो वो बाबा की भाषा, बाबा के ज्ञान की बातों को थोड़ी समझ सकेगा, इसलिए उसको अलग उठा के दूसरे कमरे में ले जाना चाहिए। और अच्छा, अकेले याद में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है या संगठित क्लास में सबके साथ बैठने में ज्यादा अच्छा लगता है, या बाबा जब याद में बैठाते हैं तब बैठना ज्यादा अच्छा लगता है? तीनों तरह, जब याद कर दिया, चलते फिरते काम करते याद करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। कैसी स्थिति में याद में रहना ज्यादा अच्छा लगता है? हैं? चलते फिरते काम करते हैं, चलते फिरते काम करते हैं याद ज्यादा अच्छी लगती है। बाबा बैठाते हैं तो उस समय ज्यादा अच्छी याद नहीं लगती? और जब सब लोग इकट्ठे होके क्लास में बैठते हैं याद करते हैं तब भी याद अच्छी नहीं लगती है? क्योंकि आपस में जब मिलते हैं तब तो वाइब्रेशन दुनिया वालों के मुकाबले ज्यादा अच्छे मिलने चाहिए।
इसलिए क्लास में भी ज्यादा नहीं आते हैं। संगम भी लक्ष्मी नारायण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, लेकिन वो तो वास्तव में 2036 तक ब्रह्मा और आत्मा को शरीर नहीं मिलता है। जब है ही नहीं तो 16 कला संपूर्ण कैसे? वो तो विष्णु रूप हो गया, मिलकर के एक ही रूप हो गया। सत भी लक्ष्मी नारायण, संगम भी लक्ष्मी नारायण, दोनों मिलकर के ही तो विष्णु बनते हैं। कि सिर्फ अकेले राधा कृष्ण या राम सीता वाली आत्मा बन जाएंगी विष्णु? विष्णु की ही बात है। संगम युगमान है विष्णु और सत्युगमाना विष्णु नहीं, सत्युग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण। संगम युग में विष्णु इसलिए कि सत्युगी लक्ष्मी नारायण और संगम युगी लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर के विष्णु का रूप बन जाते हैं। शुरुआत में 16 कला संपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन व्यतीत होता जाता है कला कम होती जाती है। शरीर से सुख भोगने से या शरीर की कर्मेंद्रियों से सुख भोगने से कलाएं कम होती जाती हैं, और संगम युग में कला कम नहीं होती है। संगम युग में लगातार चलती कला है। शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जावेगी। तो संगम युग में और सत्ययुग में बहुत फर्क है। संगम युग में लक्ष्मी और नारायण का पुरुषार्थ और उनकी चमक सूर्यवंशियों के मुआफिक, सूर्य के मुआफिक तीखी होती जाएगी प्रत्यक्षता होने के बाद। लेकिन शरीर ही नहीं है अभी तक, शरीर नहीं है ना उसको, देखो ब्रह्मा को, उनकी बात ही नहीं है। समय की बात ही नहीं बात ना। जब बाप 16 कला संपूर्ण है, उनका शरीर 16 कला संपूर्ण है, तो बच्चों का शरीर 16 कला संपूर्ण नहीं होगा फिर? प्रश्न आया है, सत्ययुग कृष्ण का, सत्ययुगी कृष्ण का जन्म 2036 में होगा, तो कहते हैं 18 वर्ष के बाद गद्दी मिलती है। वहाँ गद्दी अद्दी की बात ही नहीं है। सत्ययुग में कोई गद्दी होने की बात है? झाड़ के चित्र में राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को गद्दी दिखाई है? सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण को या राधा कृष्ण को गद्दी दिखाई है? 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 क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ गद्दी की और छत्र छाया की बात ही नहीं है। वहाँ तो सब 16 कला संपूर्ण यथा राजा तथा प्रजा होते हैं। वहाँ कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं, कोई के ऊपर राजाई करने की भी बात नहीं है। असली स्वतंत्रता तो वहाँ है। जैसे जैसे कलाएं कम होती जाती हैं, तब कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है।
इसलिए त्रेता युग में राम सीता को गद्दी पर बैठाया हुआ दिखाया गया है, छत्र छाया दिखाई गई है और आगे द्वापर कलयुग में भी गद्दी होती है, क्योंकि कलाएं कम होती जाती हैं, अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है, मनुष्यात्माएं कंट्रोल से बाहर होती जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करने की दरकार पड़ती है। और प्रश्न आया है कि मंदिरों में ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, परंतु शिव के मंदिर में माली ही क्यों पूजा करते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं, माली भी पूजा करते हैं, सन्यासी भी पूजा करते हैं, ब्राह्मण भी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं शिव के, उनमें सब पुजारी ही पूजा करते हैं। राधा कृष्ण के लिए बताया गया है कि जब 18 साल के हो जाएंगे तब उनको गद्दी मिलेगी। बाबा जितना भी लक्ष्य देते हैं वो लक्ष्य संगम युग के लिए देते हैं, वर्तमान जन्म के लिए देते हैं, कि शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म के लिए लक्ष्य देते हैं, है? है? हाँ, बाबा तो वर्तमान समय में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वर्तमान में ही उनकी इसी जन्म में भविष्य में प्रारब्ध मिलनी है, तो 2036 उस समय तो विश्व की बादशाही संसार में डिक्लेयर होती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की जो आखिरी आत्माएं हैं, जो बिल्कुल नास्तिक हैं, वो भी अंत समय में कहेंगी कि ये विश्व पिता आया हुआ है। उस समय कहा जाएगा विश्व का मालिक। विश्व की कोई 2-4 आत्माओं ने भी नहीं माना तो उसको फिर विश्व का मालिक कहेंगे? विश्व में सभी आ जाते हैं या कोई रह जाएगा? विश्व में सभी आ जाते हैं, इसलिए 2018 में जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म, और 2036 में विश्व का राजभाग साबित हो जाता है। और हाँ जी, जो आत्मा सबसे पहले सत्व प्रधान बनती है, सत्युग के आदि में सत्व प्रधान है सबसे जास्ती, तो दुनिया में सबसे जास्ती तम प्रधान कब बनेगी? बीच में बनेगी या अंत में बनेगी? है एकदम अंत में, जब तम प्रधानता की हद को दूसरी आत्माएं पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए बोला है न ज्यादा तमो प्रधान बनते न ज्यादा सतो प्रधान बनते, तो भली सृष्टि का अंत आ जाए तो भी क्रिश्चियंस आत्माएं उतनी तमो प्रधान नहीं बनेंगी जितनी देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं तमो प्रधान बनेंगी। अंतर क्या होता है?
कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं धीरे धीरे तमो प्रधान बनती हैं और धर्मों की आत्माएं थोड़े समय में सतो प्रधान और थोड़े ही समय में तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान बनने में भी वो आत्माएं आगे देवी देवता सनातन धर्म की आगे का मतलब ये नहीं कि पहले तमो प्रधान बन जाती, नहीं। जब सृष्टि का अंत होता है तो जो सबसे पुरानी सतो प्रधान आत्माएं थी वो ही सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती है। इसलिए बोला है कि कृष्ण की आत्मा ही कंस बनती है और राम ही रावण बनता है। अति तामसी युग में, क्योंकि अति का विनाश भी किसको करना है, आत्मा स्वयं के लिए स्थापना भी करती है, आत्मा स्वयं के लिए विनाश भी करती है। तो आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती स्थापना करने वाले कौन, अपने लिए सद्गुणों की स्थापना करने वालों में सबसे आगे नंबर किसका होगा, है राम कृष्ण का। इसलिए जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाए तो तमो प्रधान सृष्टि में सबसे जास्ती तमो प्रधान स्टेज में रहने वाला रामकृष्ण की आत्माएं ही साबित होंगी। इसलिए कहा जाता है लोहे से लोहा टकराता है, विष से विष मारा जाता है। लोहा माने कलयुग, कलयुग लोहे समान है, तो कलयुग में शुद्ध वर्ण में शुद्धता में सबसे आगे आत्माएं कौन सी जावेंगी, राम कृष्ण की आत्माएं शुद्ध पने में सबसे आगे। वैसे भी कहा गया है पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहले नंबर का देवता है सो पहले नंबर का क्षत्रिय, जो पहले नंबर का क्षत्रिय है सो पहले नंबर का वैश्य, वो ही पहले नंबर का शूद्र बनता है। आदि की भी बात है अंत की भी बात है। आदि में राम वाली आत्मा के सूक्ष्म संकल्पों से 76 में बुद्ध रूपी धरणी में पूरी स्थापना और पूरे विनाश का खाका खींच गया। वो सूक्ष्म रूप में समझने की बात है, फिर स्थूल रूप में भी ऐसे ही होता है संगठन बनाने की बात। तो 2018 तक की है,
प्रश्न ये आया है कि जो आत्माएं प्रवेश कर रही है सूक्ष्म शरीर धारण करके, उनको अपना शरीर तो होता नहीं साकार में, इसलिए उनको तो पाप पुण्य लगता नहीं है, वो तो जैसे इंस्पिरेटिंग पार्टी हो गई। तो आखिरी जब धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली है और अभी प्रवेश करके पाप करा देती है, या अच्छे संकल्प चला करके पुण्य भी कराती है, सर्विस भी करा देती है, जैसे मम्मा बाबा की आत्माएं अभी प्रवेश करती हैं तो प्रवेश करके सर्विस भी कराती है। तो जो आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी हैं और कम नंबरवार हैं, वो धर्मराज की सजाएं खाएंगी तो कैसे खाएंगी? उसके लिए बताया है स्थूल शरीर धारण करके सजाएं खाएंगी। स्थूल शरीर धारण करेंगी किसमें? उन आत्माओं में स्थूल शरीर धारण करेंगी जो अपने शरीर से अलग रहना सीख जाएंगी। अभी तो हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं वो शरीर से अलग होना सीख जाएंगे, या प्रवेश करने वाली आत्माएं पहले शरीर से अलग होना सीख जाएंगी। दो तरह की आत्माएं हैं, एक तो प्रवेश होने वाली, उनको सूक्ष्म शरीर है, बीज रूप स्टेज उनकी उतनी नहीं बन पा रही है। दूसरी एडवांस पार्टी की वो आत्माएं हैं जो प्लानिंग पार्टी की हैं, और वो प्लानिंग पार्टी वाली आत्माएं बीज रूप स्टेज वाली हैं, जिन्हें बाबा कहते हैं तुम बच्चे। तो वो जो जिन्हें तुम बच्चे कहते हैं वो पुरुषार्थ में तीखे हैं, या उनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं ज्यादा पुरुषार्थ में तीखी है? ज्यादा क्योंकि जो प्रवेश करने वाले हैं वो तो आगे जाकर के जन्म लेंगे, अगले जन्म में। उनको तो यहाँ का पुरुषार्थ जैसा जीवन नहीं बिताना है, इसलिए जो सामुख बैठने वाली आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश होता है, वो आत्माएं जब संपन्न बन जाएंगी तो संपन्न बनी हुई आत्मा तो अपने शरीर से अलग उड़ करके देखेगी, और जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो उसमें प्रवेश करके अपना पाप कर्म धर्म रास्ते भोगेगी, एक सेकंड में अनेक जन्मों की सजाओं का अनुभव करेंगी। और एक 2036 के बाद तो नई दुनिया शुरू हो जाएगी, वहाँ तो सुख की दुनिया होगी या दुख की दुनिया होगी? जहाँ सुख की दुनिया होती है वहाँ दिन नहीं गिने जाते, वहाँ संबत एक 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 या संबत दो एक एक या चार एक एक ऐसे नहीं गिनेंगे। जहाँ दुख होता है वहाँ दिन गिने जाते हैं, जहाँ दुख होता ही नहीं वहाँ तवारीख होती ही नहीं है। इसलिए ये तो उस समय की बात है जब संगमयुगी लक्ष्मी नारायण कहो, संगमयुगी कृष्ण कहो, उनकी प्रत्यक्षता हो जाए। हाँ जी,
काम माने कामना, और कामना का कनेक्शन है मन से, इसलिए एक ही बात हो गई। और इंद्रिय जो हैं वो दसों इंद्रियां जो हैं वो मन से कनेक्टेड हैं। इंद्रियां अपना काम करती रहें और मन दूसरी जगह लगा हुआ हो तो इंद्रियों को न सुख भासेगा न दुख भासेगा, माने इंद्रिय के ऊपर जीत हो गई। अगर मन कंट्रोल कर लिया अलग से तो, इसलिए तीनों ही एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है। चाहे मन जीते जगत जीत कह लो, चाहे इंद्रिय जीते जगत जीत कह लो, क्योंकि इंद्रियों में सबसे तीव्र इंद्रिय है काम इंद्रिय, जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मन के कंट्रोल में नहीं रहती। तो कहने कहने का अंतर है, बात एक ही है। मन को 11वीं इंद्री कहा जाता है, परंतु उसका स्थूल रूप नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, ज्ञानेंद्रियों से भी जास्ती सूक्ष्म है। शास्त्रों में तो मन को ही आत्मा कहा है, मन अरे आत्मा। बाबा भी यही बताते हैं, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा को एकाग्र कर लिया माने मन को एकाग्र कर लिया, मन एकाग्र हो गया माने इंद्रिय अपने आप ही एकाग्र हो जाएंगे। पार्लियामेंट, वहाँ पार्लियामेंट की दरकार ही नहीं। पार्लियामेंट तो प्रजा के ऊपर प्रजातंत्र राज्य में बनाई जाती है, वहाँ तो एक ही राजा का राज्य होता है, पार्लियामेंट की क्या दरकार, जो एमपी वगैरह चुनाव करना पड़े। चूपन खां चौपड़ है, चौपड़ ऐसा चौकोर पत्ती दिखाई जाती है, उसमें गोटी डाली जाती है, नंबर बढ़ते जाते हैं, गोटी भी आगे बढ़ती जाती है, उस आधार पर हार और जीत होती है। पासा उसको कहते हैं, पासा फेंकना। पहले पुराने जमाने में चौपड़ का ही खेल बहुत होता था राजाओं महाराजाओं में। बाद में फिर ये जब से मुसलमान आए तो शतरंज निकली, फिर क्रिश्चियंस आए तो ढेर के ढेर खेल निकल पड़े। और जब भी आता हूँ, जहाँ कहीं से भी आता हूँ, जब भी आता हूँ तो त्रिमूर्ति साथ होनी चाहिए, माने तीनों ही आत्माएं साथ होती हैं। राम वाली आत्मा भी साथ होती है, कृष्ण वाली आत्मा भी साथ होती है,
और दोनों के बीच में जो न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो भी साफ होती है। क्योंकि मैं तो बिंदी हूँ, बिंदी के आने ना आने का कोई मतलब ही नहीं साबित होता। तो जब भी प्रत्यक्ष होऊंगा तो तीन मूर्तियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। नेपाल में जन्म लिया। हाँ हाँ, नेपाल में जन्म लिया तो कोई गलत बात थोड़ी हो गई। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो नेपाल भी एक तो हद का है जो पहाड़ों पर दिखाया गया है, वो तो स्थूल पहाड़ हो गए। एक बेहद की ऊंचाई में है बेहद का नेपाल जो एडवांस पार्टी में है, ऊंची स्टेज वाले हैं, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहते हैं, वहां मम्मा बाबा ने जाके जन्म लिया। इसलिए मुरली ने बोला है गांधी मरा, राजकोट में जाकर कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के घर में जन्म लिया। तो जरूर एडवांस पार्टी में कोई ज्ञान का साहूकार होगा, अर्थात राम वाली आत्मा। उसके बुद्धि पेट में कैसे वाली आत्मा प्रवेश कर जाती है, जन्म लिया, बाद में प्रत्यक्ष हो जाती है। कांग्रेस के पास जन्म लिया ऐसे क्यों बोला? कांग्रेस गवर्नमेंट बड़ी गवर्नमेंट है ना, शुरुआत से लेकर के अब तक भी उसका दबदबा चला चला आया है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक कांग्रेस कहते हैं सरकार को। जिनके माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं और माँ बाप ने अगर शरीर छोड़ दिया लेकिन बच्चा तो ज्ञान में चलता है, माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया वो तो फट से जाकर के आत्मा दूसरी जगह जन्म ले गई। अब बच्चे हैं अगर ज्ञान में पक्के हैं तो कुछ भी नहीं करने की दरकार है उनको, बाबा की याद में बैठेंगे और ब्राह्मण परिवार को याद में बैठाएंगे, और क्या करना है। और तो सब अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें हैं, भक्ति मार्ग में जो कर्मकांड किए जाते हैं उनसे फायदा तो कुछ भी नहीं। अब रही बात लोकलाज में लोगों का मुकाबला करने की, कि जितना ज्ञान बल बाला होगा योग बल बाला होगा तो मुकाबला करेगा, कम ताकत होगी तो मुकाबला नहीं करेगा। हाँ, तोड़ने वाले का मतलब क्या है? दुनिया को दिखावा किस बात का करना है कि हम भगत हैं? है? तो वो दिखावा करो जिससे बुद्धियोग का दिखावा हो जाए कि हाँ योगी है ज्ञानी है। जो दुनिया भस्म होने वाली है उस भस्म होने वाली दुनिया के नीति रस्म रिवाजों के ऊपर चलना ये तो बड़े धोखे की बात है।
जो दुनिया सामने आने वाली है और हमने समझ लिया है कि ये दुनिया सामने आने वाली है, तो हम भस्म होने वाली दुनिया के पीछे क्यों जाएं? ठीक है, कर्मकांड कुछ नहीं हुआ, नहीं बाबा। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों के बारे में जानना ही नॉलेजफुल कहेंगे ना। तो प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और सत्य के बारे में नहीं जानना? ऐसा ये समझ में, प्रकृति के, प्रकृति ये तीनों के बारे में पूरा ज्ञान होना ही संपूर्ण होना नॉलेजफुल बोला। माना प्रकृति, माने पांच तत्व शरीर का बारे में, पांच तत्वों से शरीर बनता है। और बाबा बोला शेर आया, शेर आया, शेर आया, ऐसा बोला एक बार वाले, माना तीन बार बोला ना। माना कब कब हाँ, तो प्रत्यक्षता तीन बार करते हैं, चौथी बार में तो हो ही जाता है, चार बार शूटिंग होती है, सिर्फ बीच से तीन चार बार खर्चा करता है, तो ऐसे यहाँ भी है। पहली बार चिल्लाया भगवान आया, भगवान आया, दूसरी बार चिल्लाया भगवान आया, तीसरी बार चिल्लाया भगवान आया, भगवान आया ही नहीं, आखिरी ना आना तो है कि नहीं आना है? जब आना है तब कोई नहीं चिल्लाता, जब विनाश होना होगा, विनाश कब होगा? जब सब विनाश की बातों से निश्चिंत तो हो जाएंगे तब ही विनाश हो जाएगा। विष्णु जो है उस समय विषय विकार रहेंगे, जिस संगठन के बीच में विष्णु प्रत्यक्ष होगा उस संगठन के बीच में कोई भी भांति में विषय विकार रहेंगे तो ये प्रश्नोत्तर कहाँ से पैदा होते हैं? बुद्धि में कचरा भरा हुआ है तो प्रश्नोत्तर पैदा होते हैं, नहीं तो बाबा तो मुरली में कहते हैं तुम बच्चे क्या प्रश्न करेंगे बाप से, बाप तो हर बात का खुद ही हर बात का जवाब टाइम पर देते रहते हैं। तीन मूर्तियों की प्रत्यक्षता होना माना त्रिमूर्ति शिव बाप की प्रत्यक्षता होना, तो कुछ भी डिस्कस करने को नहीं रह जाता। बाप खुद ही सब कुछ बताते हैं, बाबा को कागज की मुरली या ग्रंथ पढ़ करके समझाते हैं क्या? ब्रह्मा के मुख से बोलते थे, वहाँ भी मुख से ही बोलते थे, बोलने वाला अलग था, जो बोलता था, लिखने वाले अलग थे, अभी भी पढ़ने वाला अलग है, आत्मा लिखने वाले अलग हैं और जो क्लैरिफिकेशन देने वाला है वो अलग है। और लिखते क्यों नहीं थे? पांच सात पेज बैठ करके लिखते थे, कराची से पहले से मुरली निकलती चली आई है, पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, पांच सात पेज बैठ लिखते थे, बाप लिखाते थे, तो मुरली में आया है। हाँ कापियाँ निकलती थी, बाप लिखाते थे
बाप लिखाते थे तो बाप तो कराची नहीं रहते, तो माताओं में प्रवेश करके लिखाते थे। तो जरूरी है कि पुरुषों में ही प्रवेश किया जाएगा? पता नहीं चलता था, उन्हें प्रवेश करके लिखाते थे उनको पता नहीं चलता था। ब्रह्मा बाबा बैठ लिखते थे तो यह पवित्र आत्मा में प्रवेश करके बाप लिखाते थे। और क्या समझ में आया कुछ बोला उन्होंने? विमान आश्रम नहीं, आश्रम आश्रय माने आधार लेना, आश्रय लेना माने आधार लेना, ठिकाना लेना। आश्रम नहीं है, आश्रय लेना, ठिकाना लेना। आश्रम नहीं, आश्रय, आसरा लेना, आसरा। क्या बना गए? पिरामिड। हाँ जी, सात दुनिया के बड़े बड़े बंदर हैं, उनमें मिस्र के पिरामिड भी हैं, जैसे हिंदुस्तान का ताजमहल है, चीन की बड़ी दीवार है, ऐसे मनुष्यों के बनाए हुए सात प्रकार के बड़े बड़े वंडर्स हैं, जो वंडर्स देखने के लिए लोग जाते हैं पैसे खर्च करके। हाँ तो हैं, ठीक है, बनाए गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जैसे जैसे ये हद के वंडर्स बनाए गए एक के बाद एक, आज से 300-400-500 साल पहले शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये तो कलयुग के मध्यांत में आकर के बना। ऐसे ही द्वापर युग के आज से ही ये मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते रहे, ये तो हद की बात हो गई। लेकिन बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी मनुष्य गुरुओं ने कमाल करके दिखाई है ईश्वरीय सेवा के मामले में। कोई ने राजयोग शिविर निकाला, देर की ढेर प्रदर्शनी जाती है देखने के लिए। कोई ने कॉन्फ्रेंस निकाली, कोई ने प्रदर्शनी निकाली, कोई ने प्रोजेक्टर शो निकाला, एक के बाद एक करिश्मा निकालते चले गए। अभी लास्ट में क्या निकाला? मेगा प्रोग्राम। लेकिन बड़े से बड़ा वंडर कौन तैयार करता है? शिव बाबा आकर के बड़े से बड़ा वंडर तैयार करते हैं, हेवन। इसको देख करके सारी दुनिया चमत्कृत हो जाएगी। और वो हेवन भारत में ही तैयार होता है। लक्ष्मी और नारायण मंदिर की लक्ष्मी के ऊपर
लक्ष्मी राम के पितृ के ऊपर अभी पर्दा उठने वाला है इसलिए पर्दा डाल दिया। ये लोग दिखावा करते हैं, यहाँ तो पर्दा डाल दिया और हाँ बन जाओ। बहुत लंबा टाइम हो गया ना कि बनना चाहिए, अभी तक कोई बना ही नहीं इसलिए पर्दा डाल दिया है। बाबा नारायण है, नारायण में और बाबा में तो बहुत फर्क है। नारायण तो सोलह कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण इस तक मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, और बाबा के गुण तो बिल्कुल अलग है। बाबा सर्वगुण संपन्न बन के रहे, बाबा तो कहते हैं मैं कोई साधु संत महात्मा भी नहीं हूँ। छह आठ साल के पहले पाँच सौ छह सौ साल पहले महात्मा जो सिखधर्म के आत्मा है परिणाम से कल्पित था, उनसे 500 साल पहले ही आई। तो उन लोगों को कम जन्म हो गया, कम जन्म तो होते ही है, अब तो 84 जन्म होते हैं। तो मतलब विधर्मी धर्म जो है इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म, उन लोगों के आत्माओं को ज्यादा जन्म, और स्वधर्मी आत्मा जो है सिख धर्म के उन लोगों को कम जन्म। लेकिन उनमें भी दो तरह के हैं ना, एक है कन्वर्ट होने वाले और एक है अपने धर्म के पक्के। हर धर्म में दो प्रकार के हैं, तो सिख धर्म में भी दो प्रकार के हैं। एक तो वो है जो 84 जन्म लेते चले आए, वो बीज रूप आत्मा है। सिख धर्म की भी बीज रूप आत्मा है जो 84 जन्म लेती है। वरिष्ठ गुरुओं ने तो टाइटल रखवा ही लिया है, जैसे उन्होंने अपने ऊपर टाइटल रख लिया है शिवो अहम ब्रह्मा आस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, वो तो झूठा टाइटल है। 108 की माला वो कोई बनाते थोड़ा ही है संगठन। यहाँ तो शिव बाबा आकर के प्रैक्टिकल में 108 दुनिया से चुनिंदा चुनी हुई शेष आत्माओं का संगठन बना के तैयार करके दिखाते हैं, देखो ये दुनिया की सबसे पावरफुल आत्माएं हैं, इनसे कोई भी चक्कर नहीं ले सकता। हाँ वो सिर्फ झूठा प्रोपोगंडा करते हैं गुरु लोग, और यहाँ बाबा प्रोपोगंडा नहीं करता, प्रैक्टिकल काम करके दिखाता है। वो नौ रत्नों की बात है, नौ रत्नों में नंबरवार है। ओरिजिनल आया था, डुप्लीकेट भी आते हैं भक्ति मार्ग में, सारे ही डुप्लीकेट आ गए। तो एक शिव बाबा सदा कायम है तभी तो ये डुप्लीकेट आ गए ढेर के ढेर। अगर वो ओरिजिनल भी न रहता दुनिया में तो डुप्लीकेट कहाँ से आ जाते। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा ही तो है, तो डुप्लीकेट भी तैयार हो गए। नौ धर्म के नौ मुखिया हुए तो डुप्लीकेट हो गए नौ।
अच्छे जो और विधर्मी है उनमें अच्छे पहुँचे कहाँ से? देवी देवता सनातन धर्म से जन्म लेते लेते पहुँचे या पहले से ही अच्छे थे? बताओ। अच्छे थे, फिर वो जन्म लेते लेते जब वहाँ पहुँचे तब उन धर्म का फाउंडेशन पड़ा। हमेशा वो अच्छे नहीं थे। और हर धर्म में अच्छे हैं? कुला कला संपूर्ण है कोई में? कोट नहीं है उनके मुखिया में? उनका जो मुखिया है समझो क्राइस्ट है या मोहम्मद है या महात्मा बुद्ध है, उसमें खुद कोट है या नहीं है? अरे जब मुखिया में ही खोट है तो बीच वालों में और अंत वालों में तो जरूर होगी। और बात क्या कह रहे हैं? ऊंच पढ़ाई दुनिया वाले कहते हैं या ज्ञान में चलने वाले कहते हैं? वो तो दुनिया वाले कहते हैं, तुम भी कहते हो। नहीं, बाबा ने ऐसा बोला, कोई बच्चों की दो महीने चिट्ठी नहीं आती है तो बाबा समझते हैं मर गया। लेकिन कोई गीता पाठशाला में जाते रहते हैं, क्लास करते हैं, संगठन क्लासेस होते हैं महीने महीने या सप्ताह सप्ताह, वो संगठन क्लास में कहीं जाते रहते हैं तो कोई न कोई प्रूफ तो मिल जाता है, तो उनको मरा हुआ थोड़ा ही कहेंगे। अगर साल दो साल भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो कहेंगे मर गया। अब मर गया तो दोबारा जन्म लिया, दोबारा जन्म लिया तो फिर दोबारा बच्ची करे हाँ? बच्ची तो जहाँ से पहले की थी वही करे जाके। गरीब होते हैं, अगर कोई भी गरीब होते हैं कोई भी कंपनी को जाना माता वो बांधेली है तो जैसे 47 तक यज्ञ के आदि में इंतजार किया था ऐसे इंतजार करे। बांधेला बनाया किसने? ऊपर वाले ने बना दिया है? अपने अपने कर्मों के आधार पर ही बांधेले बने तो खुशी खुशी काटो बंधन को, टाइम आएगा तो सूटेले हो जाएंगे। और हो सकता है सूटेले हो जाने के बाद पुराने पुराने से तीखे चले जाए। विदेशों ने जो व्यवस्था बनाई हुई है विदेशों ने क्या व्यवस्था बनाई हुई है?
इलेक्ट्रिसिटी है, ये कितने टाइम का पंप एंड शो है, हैं? ये 100 साल का पंप एंड शो, इसी को खुश हो गए? अभी तो वर्तमान में तो लाभ ले रहे हैं, लाभ ज्यादा आप ले रहे हैं, हो रहा है ना, लेकिन दुखी लोग कितने हैं जिनके पास अभी भी पहुंची नहीं है? ये तो बड़े बड़े जहाँ महानगर हैं वहाँ उसकी मुहैया मिल रही है, वो भी पूरी नहीं मिलती। हिंदुस्तान में हाफा बहुत मार रहे हैं, इतने गांव में बिजली पहुंच जाएगी, इतने गांव में पीने योग्य पानी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन है कितना परसेंटेज? तो बहुत कम है, गरीब तो और ही गरीब होते जा रहे हैं। बहिष्कार भी हम नहीं कर रहे हैं, है? नहीं, बहिष्कार करने की क्या दरकार है, बहिष्कार तो खुद ही हो जाएगा, जब आती होगी तो अति काम तो हो जाएगा। बाप की प्रत्यक्षता में सहयोगी भी बनते हैं, हाँ? और कहाँ कहाँ दौड़े दौड़े फिर रहे हैं? क्या हुआ? ये तो भारत में नहीं दिखाया है, दशावतार में। दशावतार में कोई अवतार है ऐसा? फिर भारत को ही सबने फॉलो किया है, चाहे जैन धर्म है, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, चाहे मुसलमान है, नाम और रूप दूसरे दूसरे दे दिए फरिश्ताओं के, लेकिन काम सब वो ही है। सृष्टि अनादि है, सृष्टि का आदि और अंत नहीं होता है, न इसका आदि है न अंत है, इसलिए ये प्रश्न ही बेवकूफी है कि मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है। सृष्टि अनादि है तो फिर मुर्गी भी अनादि है, अंडा भी अनादि है। पब्लिक नहीं बोल रही है, डार्विन थ्योरी में निकाला, डार्विन ने ये थ्योरी निकाली कि मनुष्य पहले बंदर था, बाद में वैज्ञानिकों ने वो थ्योरी को झूठा साबित कर दिया कि बंदर नहीं था, है? हाँ जी, बंदरों जैसे संस्कार थे मनुष्य में और वो आज भी है। डिपार्टमेंट क्या कंट्रोल करने का? कंट्रोल वहाँ किया जाता है जहाँ अनुशासनहीनता होती है। क्या? जहाँ अनुशासनहीनता ही नहीं है वहाँ न कंट्रोलर होता है न कंट्रोल करने की दरकार होती है, सब कुछ प्रकृति अपने आप मुहैया करती है, प्रकृति का कंट्रोल चलता है सारा, ऑटोमेटिक सारा कार्य चलता है। इसलिए झाड़ के चित्र में अथवा सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण को कोई छत्र नहीं दिखाया है, उनको कोई राज सिंहासन नहीं दिखाया हुआ है जिसके ऊपर बैठे हुए हो, वहाँ कोई सिंहासन पर बैठ करके कंट्रोल करने की दरकार ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर आत्मा स्वयं ही कंट्रोल्ड है, हर आत्मा का आत्मा के ऊपर शासन है। दो कलाएं जब कम हो जाती हैं तो शासन की शुरुआत होती है राम राज्य में,
राम राज जी में छत्र छाया दिखाई गई है, सिंहासन दिखाया गया। फूल की बात सूक्ष्म वतन नहीं है, लेकिन ये ढेर के ढेर जब एटम बम फटेंगे, पृथ्वी के ऊपर भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, अचानक लोगों की मौतें होंगी, तो ये आत्माएं कहाँ रहेंगी? शरीर तो उनको मिलेगा नहीं, शांति धाम में नहीं जाएंगी सीधी। जो अकाले मौत में हाय हाय करके शरीर छोड़ने वाले हैं, वो शांति धाम जाएंगे? वो लटक जाएंगे थोड़े समय के लिए, कहाँ लटकेंगे? सूक्ष्म स्टेज उनकी बन जाएगी, साकार दुनिया में उनको जन्म नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरों में प्रवेश करके पार्ट बजाते रहेंगे, ढेर के ढेर निकलेंगे, करोड़ों की तादाद में निकलेंगे। इसलिए बताया एक एक में अनेकों अनेकों आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। इसलिए आत्मिक स्थिति धारण करना बहुत जरूरी है। थोड़ी भी देहवान की स्थिति हुई और कोई न कोई विदर्भी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करके फिर तंग दुखी करती रहेगी। बाद ड्रामा में तो अनेक जन्म है ना, यहाँ तो एक ही जन्म में सब कुछ दिखना है, चल रहा है। बाद ड्रामा में तो 63 जन्म है, वहाँ 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में सोल का प्रवेश होता रहता है। ये दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, परम धाम से उतरती है, वो उतरते ही तुरंत गर्भ से जन्म तो लेती नहीं, तो किसमें प्रवेश करेगी? इन्हीं 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती है। ये 33 करोड़ देवताएं ही सबसे जाती तमो प्रधान बनते हैं टाइम टू टाइम। तो 33 करोड़ और 500-700 करोड़ का अनुपात निकाल लो। है हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान का जितना पाकिस्तान का पिता चिल्ड्रन तो केसीआर में प्रवेश करके और सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं। मुझे क्या वर्ण अच्छे पूछ रहे हो, क्या उसका प्रूफ क्या है? किसी ने कुछ भी अखबार में लिख दिया, सच में सच बता महाराज है? चलो आपको दिन में हमला होता है।